صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے برادران محترم میں مختصراً بغیر کسی تمہید کے آپ کو اس المناک تاریخ اسلامی کے باب سے آشنا کرانا چاہتا ہوں اس سے قبل کہ میں واقعے کو پیش کروں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں آپ نے حق کے بول بالا کے لیے باطل کے خلاف جو جہاد کیا اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اپنے ذہنوں میں اس لیے الگ تھلگ رکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر دمشق میں جا کر ان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا تاریخی شواہد صرف اہل سنت والجماعت کے تاریخ کے حوالے سے نہیں بلکہ حب علی کا دعویٰ کرنے والوں کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے ایک بار نہیں کئی بار حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے رہے اور قسطنطنیہ استنبول جو ترکی میں اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا اس جہاد میں شرکت جس میں شرکت کرنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی وہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا سفینوں پر کشتیوں پر مدینہ سے بوڑھے بوڑھے صحابہ بھی اس پر سوار ہوئے تھے مدینہ منورہ سے دمشق گئے وہاں سے پھر ہم بحری بیڑوں پر سوار ہوئے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری جیسی شخصیات بھی تھیں جس میں حضرت حسن بھی تھے جن میں حضرت حسین بھی تھے جن میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے جن میں عبداللہ بن عمر بھی تھے جن میں عبداللہ بن عباس بھی تھے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تنازع ختم ہو چکا تھا اب رہا یہ کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے رجب 60 ہجری میں تو اس موقع پر
जब मदीना मुनवरा में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह खबर मिली तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मशवरा तय हुआ। वाली मदीना ने हजरत हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। उसने कहा कि अमीर मामिया इस दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, अब खिलाफत पर यजीद है, आप मेरे हाथ पर उसकी बैत कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुले और वाज़े लफ्जों में वाली मदीना से कहा कि मैं अपने एक फर्द की हसीयत से बंद कमरे में बैत नहीं करूंगा, अगर अहले मदीना और अहले मक्का बैत कर ले तो फिर सोच सकता हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से निकले, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतला की। अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी उन्होंने बुलाया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इस तरह सहाबा कराम की एक जमात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बमाए अहले बैत के मदीना से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए थे। तारीखी हवालों से बता रहा हूं, जिनमें जुबैर के बेटे अब्दुल्ला भी थे, जिनमें हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला भी थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, अब्दुल्ला बिन उमर वो भी वहां पर थे। मैं यहां ये अर्ज करता चला जाऊं, मक्का मुकर्रमा में जब ये तमाम सहाबा करम के जर्नैल, अहले बैत के जर्नैल इकट्ठे हो गए, वहां ये बात तारीखी हवालों से कह रहा हूं कि मक्का में हतीम में अब्दुल्ला बिन जुबैर बैठा करते थे, हजर अस्वद के साथ हजरत इमाम हुसैन की वहां महफिल होती थी, और मक्की दौर में सहाबा और अहले बैत ने एक साथ मिलकर अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ ये साबित कर दिया था कि अमीर माविया की शख्सियत अपनी थी, अब उसका बेटा इस मनसब के लायक नहीं है, कभी भी हक वाले किसी ऐसे शख्स के हाथ पर पैर नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यजीद से हमें इख्तलाफ है, यजीद की कारकर्दगी से हमें इख्तलाफ है, यजीद की कोई हसीयत नहीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने शजर अकदस के एतबार से, अपने नस्ब अकदस के एतबार से, हर लिहाज से एक मुसलमा हकीकत थे, नजीब उत्तरफैन थे। वो हुसैन जिसकी लबों को रसूलुल्लाह ने बोसा दिया, वो हुसैन जिसके माथे को रसूलुल्लाह ने चूमा, वो हुसैन जिसकी जुबान को रसूलुल्लाह चूसा करते थे, वो हुसैन जिसको कंधे पर सवार करके रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, अगर सवारी बेहतरीन है तो सवार भी बेहतरीन है। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में कूफा से तकरीबन हर वक्त ने आकर खत पेश किए। मैं कभी बताऊंगा आपको, अब एक सिलसिला शुरू किया है, हक को छुपा नहीं सकता। वाज़े तौर पर बताऊंगा कि मक्का में वो जर्नैल किन इरादों से कूफा में तशरीफ ले गए थे, लेकिन ये बात ज़हन-नशीन कीजिए कि रमजान मुबारक का महीना गुजरा, शवाल आया, खतों के अंबार लग गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने उन खतों को जमा किया। मैं उन किताबों के हवाले से बता रहा हूं जो इस वाकिए को यानी अपनी किताबों में पेश करने में बहुत ज्यादा और भी अंदाज रखते हैं, अहले सुन्नत की और उन किताबों के हवाले से ये मुसलमा हकीकत है कि 12,000 कूफा से खत हजरत इमाम हुसैन के पास आए थे। कितने आए थे? 12,000 खतूत हजरत इमाम हुसैन को मिले, जिनमें ये लिखा हुआ था कि आप आइए, हमारी तलवारें आपके साथ हैं, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, आप इस्लामी हुकूमत के अमीरुल मोमिनीन होंगे, आइए हम आपका साथ देंगे, हम हुब्बे अली और अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, आहद करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास सिर्फ खतूत नहीं आते थे, कूफा के एलची आते थे। उसमें मैं वो नाम भी अश्कारा करूंगा कि वो लोग जिन्होंने खत लिखे थे उस वक्त करबला के मैदान में, जो खत लिखने वाले थे उनके हाथों में तलवारें थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई
मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो अली मुर्तजा के भाई अकील हैं, उनके बेटे मुस्लिम को आपने मुतय्यन फरमाया कि आप यहां से जाइए, वहां कूफा में पहुंचिए, हालात का जायजा लीजिए, अपनी नजरों से देखिए, ये खत आप पढ़ चुके हैं, वहां हकायक को लिखिए मुझे, वहां जाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये आपकी तरफ से वो इल्ची थे कि जिनके हाथ पर हजरत इमाम हुसैन की बैत उस कौम ने करनी थी, लेकिन देखना यह था कि वो कौम जिन्होंने खत लिखे हैं, क्या वो अपने इस किताब में जो खतों में लिखा हुआ है उसमें सच्चे हैं या झूठे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त कूफा के करीब पहुंचे, वहां इत्तला दे दी गई कि जनाब मुस्लिम बिन अकील आपके चचा दाद भाई तशरीफ ला रहे हैं। शानदार इस्तकबाल किया गया, हजारों नफरात ने, हजारों की तादाद में नौजवानों ने आपको खुशामदीद किया, अहलन व सहलन कहा, मरहबा के नारे लगाए, हुब्बे अली की मोहब्बत और अहले बैत की हुब में नारे भरकीरे लगाए, और मस्जिद जो कि कूफा की जामे मस्जिद थी, वहां जब पहली नमाज हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पढ़ाई थी, तो पहली नमाज में 12,000 आदमियों ने आप पर बैत की थी, फिर 18,000 आदमियों ने बैत की थी। कूफा वालों ने हजरत हुसैन की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर की। 12,000 खत आए थे जिनको दो बोरियों में हजरत हुसैन ने बंद कर रखा था। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत मुस्लिम बिन अकील जब पहुंचे, वहां उनकी मोहब्बत के नारे सुने, अपने हाथ पर बैत, और उसके बाद उनकी मोहब्बत का इजहार कि हम जान दे देंगे। हम और बदरगो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला उन्होंने वहां कूफा से खत लिखा अपने चचादार भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उस खत में लिखा कि 1,00,000 तलवारें आपके इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, कूफा के तमाम लोगों ने मेरे हाथ पर आपकी बैत कर ली है। खत पढ़ते ही बगैर किसी इंतजार के आप रवाना हो जाइए। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हालात का जायजा सही लिया था या नहीं, बोलो। 12,000 खत हजरत हुसैन को आए, कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इधर से कूफा से खत जा रहा है, और उधर नौमान बिन बशीर जो कूफा का वाली और गवर्नर है यजीद की तरफ से, उसने भी नरमी इख्तियार कर ली। उसके बाद दमिश्क के अंदर यजीद की मीटिंग होती है, वो कहता है हमारा गवर्नर बड़ा सुस्त है कि उसने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी। नौमान बिन बशीर ने कहा, जब तक मुस्लिम बिन अकील तलवार नहीं उठाते मैं मुकाबला नहीं करूंगा। इस पर वहां दमिश्क से ये ऑर्डर जारी होता है कि बसरा के वाली को, जो अबैदुल्ला बिन जियाद है, इब्ने जियाद को बसरा और कूफा दोनों का गवर्नर बना दिया जाता है। और वो इब्ने जियाद किस तरह से आता है, मैं तमाम तारीखी हवालों से बता रहा हूं कि अब उसको जहां 80,000 आदमी हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर चुके हूं, वो कैसे आता है, अपने सर पर काला अमामा बांधता है, नकाब ओढ़ता है, आंखें सिर्फ दिखाता है, और आने वाले उसको यूं समझते हैं कि ये नवासे रसूल आ रहा है, मस्जिद में जाता है। उसके बाद जिस वक्त उस नौमान बिन बशीर को वो खत दिखाता है, तो वो लोग 80,000 जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी, उस इब्ने जियाद ने जो कि अपने साथ चंद साथी लाया था, उस शहर के अंदर दाखिल होने के बाद, इस वारदात के साथ दाखिल होने के बाद, फिर जिस वक्त नौमान बिन बशीर को मारूर किया, तो उसने ये ऐलान किया नमाज के बाद कि सुनो, अब मैं तुम्हारा गवर्नर बनाकर भेजा गया हूं, तुम अपनी बैत को फस कर दो, वगरना फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, ये इब्ने जियाद, इसने ये खिताब कहां किया था बताओ, कहां पर किया था, कूफा में, कहां खिताब किया, और 80,000 आदमी जिन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी,
उस खिताब को सुनने के बाद अपनी तलवारों को निकाल कर उसके मुकाबले में क्यों नहीं आए थे? मेरे दोस्तों, दोनों तारीखों के हवाले से बता रहा हूं कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक्त जहर की नमाज में गए, उसके बाद जबकि एक दिन पहले इब्ने ज़ियाद ने यह ऐलान कर दिया था कि अपनी बैत छोड़ दो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो नमाजियों में 80,000 में 12,000 भी नहीं थे, 12,000 में 1,000 भी नहीं थे, 500 थे, असर में 300 थे, मगरब में 10 बज गए, इशा की नमाज के वक्त मुस्लिम बिन अकील अकेले थे। कहां थे वो लोग जिन्होंने 12,000 खत लिखे थे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन्हीं किताबों के हवाले से बता रहा हूं, हजरत हानी बिन उरवा के घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील की रिहाइश थी और उसको भी इब्ने ज़ियाद ने पकड़कर कत्ल कर दिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील जो अकेले थे, अब प्यास की शिद्दत भी है, वहां पर पानी के कुएं नहीं। मेरे दोस्तों आगे चले, एक घर पर दस्तक दी, वहां बूढ़ी औरत निकली थी, उनसे मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे पानी चाहिए, उसने पानी पेश कर दिया। आल है फदाया बन नहाया, इब्ने कसीर की तारीख उठाओ, इब्ने खल्दून की तारीख उठाओ, तमाम तारीखों के हवाले से बता रहा हूं कि मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी पी लिया, उस दरवाजे के पास बैठ गए, उस वक्त उनका दिल तंग हो रहा था, वो 12,000 खत वाले कहां गए, वो 80,000 बैत करने वाले कहां गए, इस रात में मैं अकेला हूं। मेरे दोस्तों, वो औरत बूढ़िया थी जिसने थोड़ी देर के बाद अपने बेटे की इंतजार में के जो अशस बिन केस था, उसकी इंतजार में उसने फिर दरवाजा खोला तो देखा कि शख्स बैठे हैं। पूछा कि तुझे तो मैंने पानी पिला दिया है, जाओ अपने घर में, क्यों यहां बैठे हो? उन्होंने कहा ए बूढ़िया अम्मा, मुझे तूने पानी जरूर पिलाया है, लेकिन मैं किस घर में जाऊं? मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मेरा यहाँ कोई खानदान नहीं, मैं वो हूँ जिसको यहाँ बुलाया गया था, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। उस बूढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा अंदर तशरीफ लाओ। उसने अपने कमरे में दूसरे कमरे में जगह दी। इस दौरान में उसका बेटा आया और उसके बेटे ने जब माँ से सुना कि कौन आए हुए हैं, बताया कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं। उसने कहा इनके लिए तो इनाम का ऐलान हुआ है, हम तो इनको ढूंढ रहे थे, ये हमें अपने घर में मिल गए। ये किस घर की बात कर रहा हूं? दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो कूफा के लोग थे जिन्होंने खत लिखे थे। अब उनके घर में, उनकी चार दीवारी में एक मुसाफिर है, एक तन्हा मुसाफिर है जिससे इन्होंने बैत भी फस कर ली हुई है। अब वो अकेले हैं और वो इनाम की लालच में रात भर करवटें लेता रहा कि अभी जाऊं, सुबह होने दो। सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद इब्ने ज़ियाद ने फिर ऐलान किया ढूंढो कहां है मुस्लिम बिन अकील, उसको कत्ल करना है। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, ये उस वक्त उसको ये खबर करता है कि तुम कहां ढूंढ रहे हो, वो तो हमारे घर में है। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, मैं यहां क्या बताऊं, उस घर में जिसमें बूढ़िया ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी, उनका बेटा इब्ने ज़ियाद को खबर करता है, घोड़े सवार आते हैं, तलवारें हाथ में हैं, कूफा की वही गली है, वही बैत करने वालों का शहर है, वही 12,000 खत लिखने वालों का शहर है, करबला के मैदान को छोड़ो, पहले आओ कूफा में फैसला करो कि वहां पर मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। वहां पर मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस चार दीवारी के अंदर जिस वक्त पकड़ा जाता है, वो दिलेर हैं, वो अकील के बेटे हैं, वली मुर्तजा के भतीजे हैं, वो हजरत हुसैन के चचादाद भाई हैं जिनके हाथ पर इन लोगों ने बैत की है। वो अपनी गिरफ्तारी ऐसे नहीं देना चाहते बल्कि तलवार लेते हैं, कूद पड़ते हैं, अकेले होते हैं, लड़ते हैं, ऊपर से चार दीवारी की छत से तीर मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, मुंह पर आपके चेहरे पे पत्थर लगता है, दांत टूट कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, चेहरे से खून निकल रहा है, कपड़े खून आलूद हैं, हाथ में तलवार है, और इस दौरान में बेबसी में अपनी तलवार के साथ जब पकड़े जाते हैं तो मोहम्मद बिन अशद और अब्दुर्रहमान अशद के बेटे ने आपके हाथ से तलवार ले ली, आपको गधे पर बिठाया, इस तरह इस हालत में इब्ने ज़ियाद के पास पेश किया गया।
उस गली के कूचों से उस खच्चर पर सवार कराकर मुस्लिम बिन अकील को कौन कौन लोग पेश कर रहे थे इनाम की लालच में। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तारीख के पर्दों से मैं कैसे वर्कदानी करता चला जाऊं कि बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। इतना अर्ज कर दूं, इब्ने ज़ियाद के पास जब वो पेश हुए, वहां उन्होंने हक का कलमा कहा, इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। उसके यही हवारी लोग, यही वहां कूफा के लोग जिन्होंने वहां जमा थे उसके साथ, उन्हीं की नजरों में हजरत मुस्लिम बिन अकील नजर डाल कर देख रहे थे कि तुम तो वही हो कि मेरे हाथ पे बैत कर चुके थे, तुम वही हो कि जिन्होंने तुम खत लिखे थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने ये कहा कि तुम यहां के गवर्नर को आप सलाम क्यों नहीं करते, इब्ने ज़ियाद को सलाम क्यों नहीं करते। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया, मैं किसी बातिल के आगे न झुक सकता हूं न सलाम कर सकता हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने यह फैसला किया, इनको छत की बुलंदी पर ले जाया जाए, वहां इनको कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जिस वक्त की आपको जिस वक्त के पीछे हाथ बांध दिए गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील की आंखों में आंसू आए, आपके मुंह से रोने की आवाज आई, आपने पानी कूजा देखा जो ठंडा पड़ा था, उस पानी को लेने के लिए इशारा किया। यही वो लोग थे कूफा के उस वाली के घर में जहां इनके घर में पानी था, मुस्लिम बिन अकील को पानी से किसने रोका था, क्यों नहीं दिया गया था। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, मुस्लिम बिन अकील को पानी नहीं दिया गया, और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आए, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां खड़े हुए लोगों ने कहा कि क्या मौत से घबरा गए हो, अब तो तेरी बारी आ चुकी है। जवाब ने फरमाया, मैं अपनी शहादत पे नहीं रो रहा, जो खत लिख चुका हूं तुम्हारे उस फरेब पे रो रहा हूं कि आले रसूल यहां कत्ल कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये वो आज ही हजरत मुस्लिम बिन अकील की, कहा मैं गलती कर बैठा, मैं तुम्हारे फरेब में आया था, मैं तुम्हारे दगे में आया, मैंने तुम्हारी 80,000 आदमियों की बैत पर एतमाद कर लिया था, तुम्हारी 1,00,000 तलवारों की चमकती हुई उस तलवारों को लहराते हुए हुब्बे अली के नारे पर मैंने हजरत हुसैन को खत लिख दिया था, है काश कि मेरी शहादत से कबल ही इमाम हुसैन को खबर कर दी जाए कि बना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को इब्ने ज़ियाद ने जब नजर भर कर देखा कि आंखों में आंसू हैं, उसने कहा फैसला मैंने कर दिया है कि तुझे अभी कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे मोहलत दीजिए, मोहलत में मुझे पानी दीजिए, मुझे वजू करने दीजिए, मुझे 2 रकात पढ़ने दीजिए। कपड़े खून आलूद थे, चेहरे पर खून था, दांत गिर चुके थे, जिस्म नहीं था। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे बैठे, दुआ मांगी, खूब रोए, और उसके बाद 3 वसीयतें फरमाई। फरमाया कि मेरी पहली वसीयत यह है कि मैं जिस जब से यहां आया हूं, यहां कूफा के एक शख्स ने मुझे 700 दिरहम कर्जे में दिए थे, मैं नहीं चाहता कि रब को जब मिलूं तो मैं मकरूज हालत में मिलूं। कर्ज की अदायगी, मैं यहां ये पूछना चाहता हूं कि 80,000 आदमी जिन्होंने बैत की थी, हजरत मुस्लिम बिन अकील को 700 दिरहम कर्जा क्यों लेना पड़ा था। ये बातें हैं, ये भी उन्हीं की तारीख के हवाले से है, लेकिन ये हकायक हैं कि मुस्लिम बिन अकील ने अपनी पहली वसीयत में ये बात फरमाई कि 700 दिरहम का कर्जा पहले मेरा चुकाया जाए, मेरे मरने के बाद जिस तरह से हो तुम में से मेरा पैगाम खानदान तक पहुंचाया जाए, मेरे खानदान तक, वो ताकि मिनहा करें। उसके बाद आपने फरमाया मैंने इनके फरेब में इमाम हुसैन को खत लिख दिया था और वो खत उन तक पहुंच चुका है, उस खत की रोशनी में वो अब रवाना हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, मेरा पैगाम पहुंचाया जाए कि वो यहां तशरीफ न लाए क्योंकि ये कौम अपनी वफा में दगा दिखा चुके हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तीसरा पैगाम उन्होंने वसीयत में ये फरमाया कि मुझे जरूर शहीद कर दिया जाए और अब तो वक्त आ चुका है, मगर मेरी लाश को जो हुई मैदान में न छोड़ा जाए बल्कि एहतराम के साथ मेरे जुस्से को जमीन में दफन भी कर दिया जाए। वो 80,000 कहां थे कि जिसमें अपनी मैयत को, अपने आप को दफन कराने की वसीयत मुस्लिम बिन अकील फरमा रहे थे।
मेरे दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने पकड़ा और ऊपर वाली छत पर ले जाना चाहा। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील की जुबान पर तकबीर थी, तहलील थी, इस्तग़फ़ार था, दरूद व सलाम था, कहो अल्लाहु अकबर। वो एक जानिसार था, वो जानिसार थे जिनके हाथ पर कूफा वालों ने हजरत हुसैन की बैत की थी। बुलंदियों पर ले जाया जाता है, उनके सर को कलम किया जाता है, ऊपर से नीचे फेंका जाता है, उनके जुस्से को जमीन पर फेंक दिया जाता है, तीन दिन तक उनकी लाश को लटकाया जाता है। मैं नहीं कहता, तुम बताओ, आप बताएं कि ये तारीख में ये वाकया है, कूफा में हुआ है, जुस्सा जमीन पर गिराया गया है, शहीद के सर को कलम करके बैर फेंक दिया गया है, फिर लटकाया गया है, वो कहां थे जिन्होंने अपनी वफा का ऐलान किया था? कोई एक तो अपनी जान पेश कर देता, कहां थे वो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं आपको, ये यौमुल अरफा को वाकया हुआ, 9 ज़िलहज्जा को मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए। यौमुत तरबिया को जब खत पहुंचा था हजरत इमाम हुसैन के पास, और वो 8 ज़िलहज्जा से एक दिन पहले 7 ज़िलहज्जा को जब खत पहुंचा, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खत की रोशनी में यह फैसला किया कि उसमें आखिरी जुमला यह था कि मेरा खत पाते ही फौरन रवाना हो जाइए। उस वक्त इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील के इस खत की रोशनी में, एक दिन हज से बाकी था, यौम तरबिया मक्का मुकर्रमा में थे, आपने जो एहराम बांधा हुआ था उससे आपने उमरा फरमाया, आपने तवाफ फरमाया, आपने सही फरमाई, उसके बाद आप हलाल हुए, और उसके बाद हल करवाने के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से जब रवाना होने लगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपके कपड़ों को पकड़ा, दामन को पकड़ा, कहा कि ऐ मेरे भाई, कहां जा रहे हो? आप उस शहर में जा रहे हैं जिन लोगों ने आपके वालिद से वफा नहीं की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका, इस तरह से अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वहां मोहम्मद बिन अली ने रोका, अली मुर्तजा के बेटे मोहम्मद हनफिया ने रोका, जिन्होंने बार बार रोका, इतना रोका कि अपने बेटों को भी जाने से मना कर दिया। हजरत हुसैन के दिल में ये बात आई थी कि भाई ने अपने बेटों को भी मेरे साथ नहीं आने दिया। अली मुर्तजा के बेटे थे मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद बिन अली की बात कर रहा हूँ रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने न सिर्फ रोका था बल्कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बार बार बताया, खुदा के लिए मत जाइए, वो कौम आपका साथ नहीं देगी, मक्का में बैठिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ये कहा, आप ऐलान कर दें, हम आपके हाथ से बैत करने के लिए तैयार हैं, यजीद को हम तस्लीम नहीं करते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत का वाकया सुन चुके हैं, वो इसी यजीदी टोले के खिलाफ उन्होंने मक्का मुकर्रमा में शहादत हासिल की थी नहीं थी, बोलो की थी या नहीं? उनकी लाश कितने दिन तक बाबे काबा के पास लटकाई गई थी, जब उनकी मां आसमा बिनते अबू बकर ने, जो कि अबू बकर की बेटी थी, अपने बेटे की लाश को लटकते हुए 3 दिन तक देखा तो फरमाया कि अभी भी शाह सवार सवारी कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद हजरत हुसैन ने बार बार यही फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील का खत आ चुका है। किसका खत आ चुका है? मुस्लिम बिन अकील का खत आ चुका है। यौम तरबिया को रवाना हो रहे हैं, लोग मीना जा रहे हैं, खानदान रसूल कूफा की तरफ रवाना दवा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आगे से हाजियों के काफले आ रहे हैं, एक एक काफला रोकता है, हुसैन हज करके जाइए, हालात और भी मालूम हो जाएंगे, बाद में जाइए। मगर तकदीर का फैसला भी यही था, मुस्लिम बिन अकील के खत में आखिरी जुमला हजरत हुसैन को बैठने नहीं देता था। क्यों? उसकी दो वजूहात थी कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत हो चुकी थी, अब अगर हज के लिए रुकते थे हो सकता है कि अयाम हज में पकड़ लिए जाते, लेकिन वहां जो होता सहाबा आपके साथ और सारा मार्का एक अजीम होता। मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहां मैं ये बता देना चाहता हूं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रमा तमा हो गए। रास्ते में फरदोक नाम का शायर मिला, जो इन्हीं लोगों में मशहूर शायर है, उससे हजरत इमाम हुसैन की मुलाकात हुई। फरमाया, कहां से आ रहे हो? कहा, कूफा से आ रहा हूं। क्या क्या देख कर आ रहे हो? उन्होंने कहा
कि उनके दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। क्या कहा? अभी वाकया उसको ही मालूम नहीं था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, क्योंकि 8 दिल हज्जा को रवाना हुए और 9 दिल हज्जा को हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। अब वहां से रवाना हुए और रास्ते में जिस वक्त आपको खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं, मेरे दोस्त और बुजुर्गो, आपने आह भरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। खानदान नबुव्वत ने इसको सुना, उन्होंने कहा ए हुसैन ये क्या खबर है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद कर दिए गए हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपनी कुर्बत का, अपनी रिश्तेदारी मोहम्मद बिन अली हनफिया ने बार बार अपने भाई होने का वास्ता देकर ये कहा था, दामन पकड़ कर ये कहा था कि कूफा वाले कभी आपके साथ वफा नहीं करेंगे, आप अगर जाते भी हैं तो अकेले जाएं, अपनी बहनों को और ख़ानदान रसूल को यहाँ छोड़ कर जाएँ। मेरे दोस्तों, मैं तारीखी हवालों से इस वाक्य को कैसे पेश करूँ? जब ये खबर मिल चुकी मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने और उनके ख़ानदान के साथ थे, उन्होंने कहा हम अब कट जाएंगे मगर अब मुस्लिम बिन अकील के खून का बदला लेंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, वही काफिला रवां दवां होता है, उसमें ख़ानदान नबूवत है, 70 शख्स हैं जिनमें ख़ानदान नबूवत के 23 तो शहीद हुए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वहाँ से आ रहे हैं, आगे आकर जब करबला के मैदान के करीब पहुँचते हैं, आपका मुहासरा कर लिया जाता है, उस वक़्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज़ान दिलवाते हैं। अब दोनों आपके साथ थोड़ा सा छोटा सा काफिला है, उधर से मुहासरा करने वाले करबला कहाँ है, कूफा के कितने करीब है, कौन लोग आए थे, कौन मुहासरा कर रहे थे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हुसैन ने आज़ान दिलवाई, फरमाया कि आओ नमाज पढ़ें। कहा कि तुम में से कौन है जो नमाज पढ़ाए? सब ने कहा कि नमाज आप पढ़ाइए। आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद आपने खिताब किया, आपने 12,000 खतों के अंबार उनके सामने रख दिए और ये फरमाया कि कूफा वालों, मैं तुम्हारे इस फरेब पर अफसोस करता हूँ कि ये 12,000 खत बताओ ये किन लोगों के हैं। उनमें वो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये खत लिखे थे, उनकी तलवारें उस फरदूक की जबानी क्या थी कि दिल तो आपके साथ है मगर तलवार आपके खिलाफ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वाकया बड़ा ही अजीम अलमनाक है। यहाँ मैं किस तरह से इसके किन किन को पहलुओं को पेश करूँ? हजरत इमाम हुसैन ने कई नमाजें पढ़ाई, हर नमाज के बाद खिताब किया और उन कूफा वालों को मुखातिब करके फरमाया ए कूफियो, तुम्हारे उस खत की पादाश में मैं यहाँ आया हूँ, मैं मुस्लिम बिन नकील के खत की रोशनी में यहाँ आया हूँ, मैं इब्ने अली हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मेरी ये फजीलत है, मेरी ये फजीलत है, हर फजीलत को गिन गिन कर बताया। मगर मेरे दोस्त और बुजुर्गो, उस वक्त 80,000 में कोई 10 आदमी बताएं कि जिन्होंने ये कहा हो कि हमने खत लिखे थे, हम आपका साथ देंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप पर जलगार हो रही थी तो शाम से कोई फौजी नहीं आए थे, ये सारे अहले कूफा के थे और उनमें तख्तीत वहां की हो, लेकिन ये अहले कूफा जो तलवारें लेकर खड़े थे। और उसके बाद 3 दिन तक प्यास की शिद्दत में रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस प्यास की शिद्दत में पानी मांगते थे, ये कौम पानी नहीं देती थी। आखिरकार 10 मुहर्रमुल हराम को जुमे का दिन था, जोहर के वक्त मारका हुआ, एक खानदान नबूवत का छोटा बड़े से लेकर छोटे तक तमाम जानिसार निकले और सबसे पहले मैदान में निकलने वालों में हजरत हसन के बेटे कासिम राना थे जो बुलबुल कहलाते थे, लब के लड़ते रहे, शहीद हो गए। उनकी लाश को उठाकर हजरत हुसैन ने खैमे में आकर रखा, बेटियों ने देखा, उनकी बहनों ने देखा। मेरे दोस्तों, हो फुका हुई, इसमें अली अकबर उठे जिसने कहा मैं अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूँ और फिर तलवार लेकर उनका मुकाबला किया, वो भी शहीद हो गए। उनकी भी मैयत मुबारक को हजरत हुसैन ने उठाया,
सीने से लगाया, बड़ा बेटा था, बोसा दिया, खेमे में लाए, फूफी ने देखा, बहनों ने देखा, खानदान नबूवत उस वक्त रो रही थी कि ये भी चले गए। उसके बाद मेरे दोस्तों एक एक होकर 23 खानदान नबूवत ने शहादत दी, जिनमें हजरत हुसैन के बेटे थे, हजरत हसन के बेटे थे, इस तरह से मुस्लिम नकील के भाई थे, मैं कैसे बताऊं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। उसके बाद जब अंदर से खैमे से आवाज आई कि बच्चा बिल बिला रहा है, प्यास की शिद्दत में उसकी जान जाने वाली है, लपके और खेमे में गए, अली असगर को अपने सीने से लगाया, फरमाया कि ये बच्चा अब चल तो नहीं सकता, चलो इसको पेश कर दूं कि रब्बुल जलाल अगर ये चलता तो इसके हाथ में भी तलवार दे देता, अब सीने से लगा के आ रहा हूं इसको। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, अली असगर को आपने सीने से लगाया, उस जालिम कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि जरा सा पानी तो दे दो, इस बच्चे को मैं पिला दूं, मगर पानी की बजाय उन्होंने तीर ऐसा मारा कि उसके होंठों से गुजरता हुआ हल्क से गुजरा और वहां से खून की फुहार निकली। हजरत हुसैन ने उस खून को अपने हाथ में लेकर कहा, बारी अज़्ज़ा वजल इस नन्हे मुन्ने की खून को भी कबूल फरमा दे। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, उसके बाद मारका क्या था, आप पर नेवे तीर और तलवारों से वो कौम पड़ी। हजरत हुसैन ने देखा अब अकेला एक रह गए हैं, जैनुल आबिदीन बीमार हैं, उनको उस औरतों के खेमे में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों आपने सजदा किया और वो सजदा क्या था, तो पूरी जिंदगी की नमाजों का चेयरमैन सजदा था। वो ऐसा सजदा था कि जिसमें जिस्म से खून बह रहा था, 33 नेजों के जख्म थे, 34 तलवारों के जख्म थे, ऐसी हालत में सजदे में ये कह रहे थे कि रब्बे दुल जलाल तेरे दीन के लिए हुसैन की अपनी जान दे रहा है, शहीद कर दिए गए। मैं यहां पर ये बता देना चाहता हूं कि फिर उस खैमे को किन लोगों ने लूटा था, हजरत सकीना की बालियां किन्होंने उतारी थी, और उतारते हुए और खैमे को लूटते हुए रोते हुए क्या कहते थे, जबकि जैनब ने उनसे फरमाया कि तुम लूट भी रहे हो, हमारी उन लाशों से बेहमती भी कर रहे हो और रो भी रहे हो। कहने लगे लूट इसलिए रहे हैं कि अगर हम नहीं लूटेंगे तो कोई और तुम्हें लूट जाएगा। हाँ, मैं क्या बताऊं आपको मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब ये वाकया क्या मदीने में हुआ था, बोलो ये वाकया मदीने में हुआ, बोलो क्यों डर गए हो, मक्का में हुआ, कहां हुआ, कूफा किन का मरकज था, किन लोगों ने बैत की थी, किन लोगों ने बुलाया था, फिर उसके बाद सर को कलम करके उसकी बेहमती हो रही थी। मेरे दोस्तों अगर उसके बाद भी खानदान नबूवत उन कूफा की गलियों से गुजरा था तो फिर मातम करते कर रहे थे। उसी वक्त हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार और छोटे थे, उन्होंने कहा ये क्या ताज्जुब है कि मारा भी है और रो भी रहे हैं। कहने लगे कि ये इसलिए रो रहे हैं कि अब ऐसी गलती का इजाला कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों ज़ैनब ने ये बद्दुआ दी थी कि क़यामत तक तुम रोते रहो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अगर मैं तारीखी हवालों से बताऊं तो बात कहां से कहां तक निकल जाएगी। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि खानदान नबूवत को खत लिखने के बाद उस कौम ने वफा नहीं की थी, अगर वफा करती तो इमाम हुसैन ने तो इतनी बात भी कर दी थी कि जिस वक्त मुहासरे में आए फरमाया मुझे यजीद के पास जाने दो, मेरा मामला यजीद के साथ बराह रास्त हो जाएगा, या मुझे वापस जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहदों पर कुफर के खिलाफ लड़ने दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने कहा नहीं अब हम आपको जाने नहीं देंगे। किस चीज का लालच था उन्हें, बोलो, इनाम का लालच था, खानदान नबूवत के खून को इनाम के बदले में इस तरह से वो समझ रहे थे। मैं यहां ही अर्ज करता चला जाऊं कि वाकया बड़ा अलमनाक है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमारे लिए एक अजीम नमूना है, और वो ये है कि बातिल के खिलाफ कभी भी मोमिन अपना सर नहीं झुका सकता। मेरे दोस्तों, हम तो उस बात पर अमल पैरा होने के लिए आए हैं कि बैत रिजवान में सहाबा ने हजूर के हाथ पर बैत की थी तो कैसे वफा की। आप ओहद देखें, सहाबा ने वफा की, बदर देखें, सहाबा ने वफा की, खंदक देखें, मुहाजिरीन और अंसार ने वफा की। अगर तुम मक्का और मदीने के सहाबा की मिसालें देखना चाहते हो तो फिर हजरत हुसैन के नाना
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان غزوات پر نظر ڈالو کہ جنہوں نے جب حضور کے ہاتھ پر اسلام و ایمان اور جہاد کی بیعت کر لی تھی وہاں یہ ثابت کر دیا تھا کہ آگ میں کود سکتے ہیں, دریا میں چھلانگ لگا سکتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں مگر حق کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہوں گے. کہو اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام کا عزم تھا. امام حسین دلیر تھے, انہوں نے اس عزم کو اس مکی قریشی ہاشمی خاندان نبوت کے اس سپاہ سالار نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم حجازی حق کے لیے جان دے سکتے ہیں, تم بے وفا ہو, ہم اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. میرے دوست اور بزرگوں, آؤ مل کر دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا.